हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉपर इंग्लिश बाय जेपी सर। टॉपर इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स और टर्म एग्ज़ाम्स में भी राइटिंग सेक्शन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो तैयार किया है और इस वीडियो में मैं आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट से संबंधित हॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और उसका आंसर भी बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश बाय जेपी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के टॉप में क्या लिखा होता है या क्या लिखा जाता है। तो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी डेजिग्नेशन, ऑप्शन डी हेडिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी हेडिंग, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के टॉप में हेडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखने में इसमें से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्लीट सेंटेंसेज, ऑप्शन बी फ्रेज, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, ऑप्शन डी नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि फ्रेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एडवर्टीजमेंट इज अ, यानी कि एडवर्टीजमेंट क्या है। ए पर्सनल अनाउंसमेंट, बी पब्लिक अनाउंसमेंट, सी प्राइवेट अनाउंसमेंट, डी इन्विटेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मोटिव ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू इन्फ्लुएंस मासेज, ऑप्शन बी टू प्रमोट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बॉथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर होगा सी बॉथ ए एंड बी, टू इन्फ्लुएंस मासेज, टू प्रमोट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट से किस तरह से अलग होता है, भिन्न होता है। ऑप्शन ए इट इज़ बिगर इन साइज दैन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, बी इट रिक्वायर्स मोर इमेज दैन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, सी इट कॉस्ट्स मोर दैन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू पीपल प्रेफर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, यानी कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की जगह लोग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्यों पसंद करते हैं। ए फॉर इट इज़ कॉस्टलियर, बी फॉर इट इज़ चीपर, सी फॉर इट इज़ टू शॉर्ट टू अंडरस्टैंड इजिली, डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर ऑलवेज रिटेन, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हमेशा जो लिखा जाता है। ऑप्शन ए इन ब्रैकेट, ऑप्शन बी इन 10-12 पैरा, ऑप्शन सी इन साइड ऑफ बॉक्स, ऑप्शन डी नन। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सही आंसर है सी इन साइड ऑफ बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर क्लास 12, यानी कि क्लास 12 के लिए जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का वर्ड लिमिट होता है कितने का होता है? ए 100 वर्ड्स, बी 50 वर्ड्स, सी 75 वर्ड्स, डी 150 वर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टेंस इज यूज्ड इन राइटिंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखने में किस टेंस का यूज किया जाता है? ए पास्ट एंड प्रेजेंट, बी पास्ट एंड प्रेजेंट, सी प्रेजेंट, डी पास्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा सी यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पिक द ओड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो ओड है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के संबंध में जो इसमें ओड है उसको छांटिए, उसको निकालिए। ए हेडिंग, बी बॉडी, सी सैल्यूटेशन, डी फ्रेज। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा सी यानी कि सैल्यूटेशन नहीं होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट परफेक्ट, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को क्या चीज़ परफेक्ट बनाता है? तो ये चार ऑप्शन है, ए वेल रिटन फ्रेज, बी कैची हेडिंग, सी क्लियर डिटेल्स, डी ऑल ऑफ देम। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 12, वन मस्ट ऑलवेज ऐड डैश एट द एंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट के अंत में क्या होना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए? ए थैंक्स, बी वेलकम, सी डियर, डी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा डी यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड में होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यानी कि किस प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने में? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी यू एंड दे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा डी यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज नहीं किया जाता क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने में। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एडवर्टीजमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आर डैश डिटेल्स, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें कंपनी का नाम और पता के संबंध में क्या सही है? ए यूजलेस डिटेल्स, बी एसेंशियल, सी वेस्ट, डी नन। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी यानी कि एसेंशियल डिटेल होता है, इसे लिखा जाना चाहिए, एसेंशियल पार्ट है एडवर्टीजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए लॉस्ट एंड फाउंड, ऑप्शन बी मिसिंग, ऑप्शन सी टूर एंड ट्रेवल्स, ऑप्शन डी इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन। इसका सही आंसर होगा डी यानी कि इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एडवर्टीजमेंट्स आर रिटेन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है अगर कोई अपने घर को, प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहता है? ऑप्शन ए सिचुएशन वैकेंट, ऑप्शन बी सिचुएशन वांटेड, ऑप्शन सी टू लेट, ऑप्शन डी अकोमोडेशन वांटेड। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा सी, इसे टू लेट एडवर्टीजमेंट सेक्शन में पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following classified advertisement requires a brief description of person, इसमें से किस एडवर्टीजमेंट में पर्सन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होता है? ऑप्शन ए टू लेट, ऑप्शन बी सिचुएशन वांटेड, ऑप्शन सी मिसिंग, ऑप्शन डी नन। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा सी यानी कि मिसिंग पर्सन के लिए जो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसमें मिसिंग पर्सन का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटेन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ अ जॉब, अगर किसी आदमी को जॉब की ज़रूरत होती है तो इसमें से कौन सा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है या दिया जाता है। ऑप्शन ए सिचुएशन वैकेंट, ऑप्शन बी टू लेट, ऑप्शन सी सिचुएशन वांटेड, ऑप्शन डी अकोमोडेशन वांटेड। अगर जॉब की ज़रूरत होती है उस केस में जो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो उसे कहते हैं सिचुएशन वांटेड। इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैट्रीमोनियल एडवर्टीजमेंट। इसमें से कौन सा मैट्रीमोनियल एडवर्टीजमेंट का टाइप है। ऑप्शन ए ग्रूम वांटेड, ऑप्शन बी ब्राइड वांटेड, ऑप्शन सी सिचुएशन वांटेड, ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड बी। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी द हेडिंग टाइटल ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इफ़ यू वांट टू डिस्पोज ऑफ योर कार। अगर आप अपना कार बेचना चाहते हैं तो उस क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का हेडिंग टाइटल क्या होगा। ऑप्शन ए फॉर सेल, ऑप्शन बी टू लेट, ऑप्शन सी सिचुएशन वैकेंट, ऑप्शन डी कैनल। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ए, यानी फॉर सेल। हेडिंग होगा फॉर सेल। क्वेश्चन नंबर 21, विच आस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड टू नो इन एन एडवर्टीजमेंट। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें से कस्टमर को किसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है और ना तो जानकारी लेना चाहता है। ऑप्शन ए अबाउट द प्रोडक्ट, बी एज ऑफ द सेलर, सी एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट, डी वैल्यू फॉर मनी। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा बी, एज ऑफ द सेलर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है एडवर्टीजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग राइट सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट। कौन सिचुएशन वैकेंट कॉलम में एडवर्टीजमेंट देता है। ए एम्प्लायर, बी एम्प्लाई, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए एंड बी। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ए एम्प्लायर। एम्प्लायर देता है तो सिचुएशन वैकेंट में होता है। अगर आपको खुद के लिए जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड कॉलम में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ शुड द हेडिंग ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट रिटन। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का जो हेडिंग होता है वो कैसे लिखा जाता है। ए बोल्ड लेटर्स, बी अपर केस लेटर्स, सी कैपिटल लेटर्स, डी ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इसमें से क्या क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। अ कॉन्टैक्ट नंबर, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, विच व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अकोमोडेशन वांटेड एडवर्टीजमेंट। यानी कि अकोमोडेशन वांटेड एडवर्टीजमेंट देने का पर्पस क्या होता है। ए टू सेल एन अकोमोडेशन, बी टू लुक फॉर एन अकोमोडेशन, सी टू लेट एन अकोमोडेशन, डी ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि टू लुक फॉर एन अकोमोडेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और इस ये जो 25 हॉट एमसीक्यू है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न जो कि एडवर्टीजमेंट से पूछे जाएंगे तो छूटने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में भी आ गया होगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।